ओम शांति। कुछ देर के लिए सारे शरीर को, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। बैठ जाएं और मन में चलते विभिन्न संकल्पों को नकारात्मक भावनाओं को समेट कर ऊपर आकाश में परमात्मा को दे दें और कहें, ओ परमात्मा, परम पिता, दुख हरता, सुख करता, आपने इस कर्म क्षेत्र पर अपने बच्चे की सेवार्थ मुझे नियुक्त किया है, पर न जाने क्यों बार बार समझाने पर भी आपका बच्चा ना समझ होने के कारण मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी भावनाएं उसके प्रति सच्ची है, शुभ है, कल्याण की है, पर फिर भी मेरी बातों का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं हो रहा। आपके बच्चे का कर्म बार बार मेरे मन को, मेरे दिल को दुख दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। अब आप ही अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दें। क्योंकि मुझसे पहले वो आपका बच्चा है, फील करें मेरे अंदर की भावनाएं, मेरे परम पिता परमात्मा तक पहुंच रही है और परमात्मा जिसे मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फील करे सूर्य की तरह परम पिता परमात्मा
बच्चे पर शक्तिशाली किरणें बरसा रहे हैं। इन किरणों में परमात्मा प्यार, परमात्मा गुण, ज्ञान सूर्य का ज्ञान समाया है, जो बच्चे के मन और बुद्धि में ज्ञान प्रकाश, ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय गुण भर रहे हैं। उसकी विचारधारा और दृष्टिकोण को परिवर्तित कर रहे हैं। महसूस करें कि बच्चे के मन में अब बड़ों के प्रति सम्मान और स्नेह उत्पन्न हो गया है। उसके सोचने और समझने का नजरिया बदल गया है। वो अब सहजता से सबका कहना मानने लग गया है। मानस पटल पर चित्र अंकित करें बच्चे के सशक्त और समझदार स्वरूप को। और इस स्वरूप पर परमात्मा की किरणें पड़ती जा रही हैं। ये सत्य है जो बहुत जल्दी साक्षात स्वरूप में दिखाई देने वाला है। निश्चय रखें कि बच्चा बहुत अच्छा, बहुत सच्चा परमात्मा का गुणवान बच्चा बन गया है। ओम शांति।